अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप सब लोग? मैंने आज कुछ ईरानी प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये मेरा ऑर्डर अभी आया है, तो मैंने इसकी एक वीडियो क्लिप की है ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने क्या क्या ऑर्डर प्लेस किया था, और ये आराम से इन्होंने मुझे घर पर डिलीवर कर दिया। इसकी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह कराची में ये बहुत इन हुआ हुआ है, ईरानी प्रोडक्ट्स वगैरह। इसकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है, और काफ़ी लोग जो हैं इसकी शॉप्स वगैरह पे चीज़ें अवेलेबल हैं, और आज मैंने भी सोचा कि मैं कुछ चीज़ें मंगवा लेती हूँ ताकि रमज़ान में ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, क्योंकि ईरानी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, इनमें ज़्यादातर मिलावट इतनी नहीं होती अक्सर चीज़ों में। जैसे इसके ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है आजकल, तो मैंने 1 टन ओलिव ऑयल भी इनका ऑर्डर किया था। ये 5 लीटर ओलिव ऑयल है। बाकी मैं आपको तमाम चीज़ें दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर प्लेस की थी। काफ़ी कुछ माशाल्लाह से आ गया था, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे उन्होंने ऑर्डर डिलीवर करने में, यानी कि मैंने सुबह मॉर्निंग में इनको ऑर्डर प्लेस किया था और शाम 4 बजे तक मेरे पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हो गई थी। मैं अभी आप लोगों को सही से डिफ़ाइन कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं इनसे, और इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इनकी शॉप का और नेम भी बता दूंगी ताकि आप लोग भी अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो इजीली आराम से इनसे आप मंगवा सकते हैं। ये हर जगह डिलीवर कर देते हैं। हाँ, इनके डिलीवरी चार्जेस होते हैं अकॉर्डिंग टू इनके एरिया। और ये स्पैगेटीज थे, मैक्रोनी का पैकेट मैंने मंगवाया है, ये मैगी थे, ये डिफरेंट फ्लेवर का मुझे लगा तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया। इसके अलावा चीज़ स्लाइसेस थी, ये एक पिज़्ज़ा चीज़ था वो मैंने ऑर्डर प्लेस किया। इसके अलावा काउ चीज़ जैसे हमारे यहाँ मिलती है सेम वैसी थी। ये बिस्किट्स थे कुछ, ये चीज़ क्रीम थी, ये फ्रेश मिल्क था, ये उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा होता है, ये लस्सी बहुत ईरान की इन है तो वो भी मैंने एक बॉटल ऑर्डर प्लेस की है। ये सॉसेस थे, एक गार्लिक और ये ऑलिव ऑयल। तमाम प्रोडक्ट्स माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी, और क्वालिटी वाइज भी, और एक्सपायरी भी ये नहीं कि बहुत कम थी, माशाल्लाह लॉन्ग टर्म एक्सपायरी थी।